का, जिसमें प्रशासनिक दृष्टि से 6 मंडल आते हैं, चित्रकूट, फैजाबाद, लखनऊ, झांसी, कानपुर और इलाहाबाद। तो इन 6 मंडलों के सभी 29 जिलों की जो प्रतियोगिताएं और ये आयोजन शिविर हैं, उसके बाद उनका समापन 18 व 19 अगस्त को एसआर ग्लोबल स्कूल के माध्यम से ही क्षेत्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से आयोजित होगा। ऐसी मैं एक भाई सबसे कल्पना भी चाहता हूँ कि मुझसे करती ने सितंबर माह में अपनी उत्तर प्रदेश की योगासन प्रतियोगिता केडी बाबू सिंह स्टेडियम में आयोजित होगी और उसकी मुख्य धारा में श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें स्वीकृति प्रदान की है कि सितंबर में उनका हमें समय मिलेगा राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए। और 24 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसका आयोजन बनारस में होगा, जिसका शुभारंभ आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और वहीं से अभी उनका एक पत्र हमारे पास आ गया है, एक घोषणा आप सभी के बीच में, योगा को खेल बनाने के लिए जो एक मुहिम पिछले 42 सालों से चली आ रही थी, ऐसा पीएमओ और ऐसा पीएम कभी देश को नहीं मिला कि योग के विषय में चर्चा कभी सभी करते थे, तो खेल के माध्यम से। हाल ही में सऊदी अरब ने, जैसा इश्मा जी ने बताया भी, कि धर्म के माध्यम से लोग बहुत देखते हैं, पूरे साल कभी बाइक नहीं चलेंगी, पर अब 21 जून आ गया है, सूर्य नमस्कार के विषय में, योग के विषय में, ओम के विषय में बाइटें चलनी शुरू हो जाएंगी, लोग उसको बांटना शुरू कर देंगे। पर ऐसे ही अलग सोच रखने वाले, ऐसे ही मुस्लिम परिवार से, सिख परिवार से, ईसाई परिवार से जो लोग आते हैं, उन्हीं के माध्यम से सऊदी अरब की सरकार ने स्वीकार करी उस मुस्लिम लेडी को। भारत सरकार ने बात है कि जो योग का काम करे उसका सम्मान सरकार करती है, उसका सम्मान हमारी प्रेस करती है, मीडिया करती है। जो कि एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हुई है, इस एसोसिएशन के सम्माननीय प्रदेश महासचिव अनुज यशवारा सर जी, आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हम लोगों के बीच में लखनऊ के बड़े समाजसेवी और ऐसा ग्रुप के चेयरपर्सन सम्मानीय पवन चौहान जी। शिक्षक कहीं से जाएंगे तो मेरे देश भारत देश से जाएंगे, और उसमें भी सबसे आगे उत्तर प्रदेश होगा कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में पूरे विश्व के अंदर योग शिक्षक के रूप में मेरे यहाँ से नौजवान जाएंगे, युवतियां जाएंगी। क्योंकि वास्तव में अभी मुझे यश ने दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी का पत्र आया है कि वो स्पोर्ट्स की मान्यता दे रहे हैं योग को, और हर विद्यालय में एक स्पोर्ट्स टीचर के रूप में योग शिक्षक रखा ही जाएगा। और अगर ऐसी क्रांति इस देश के अंदर आएगी, कितने विद्यालय हैं, कितने लगभग 1,28,000 तो अपने यहाँ संभवतः प्राइमरी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, अन्य इंटर कॉलेजेस वगैरह हैं, मुझे लगता है एक 5 लाख योग शिक्षकों की आवश्यकता तो उत्तर प्रदेश अकेले को ही पड़ेगी। और ये कहाँ से आएंगे, इसके लिए हम सबको ही प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए उत्तर प्रदेश की जो योग की कमेटी है, योग के जो लोग हैं, हम लोगों को उसकी चिंता करनी पड़ेगी कैसे हम होनार और योग शिक्षक तैयार करें, ताकि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस योग व्यवस्था को मान सके, अपना सके। और जो हमारी संकल्पना है, क्योंकि हम लोग जिस संस्कृति के देश विश्व गुरु योग के लिए बनने वाला है, मैं ये शुभकामना देना चाहता हूँ। 21 जून को जो तैयारी चल रही है, उसी की पूर्व संध्या पर उसी की तैयारी में हम लोग पूरे प्रदेश में एक अलग से जाने के लिए जगह जगह पर मीटिंग हो रही है, जगह जगह व्यवस्था हो रही है, वहाँ पर बताया जा रहा है कैसे योग होना है, साफ होना है। और योग मतलब जोड़ना है, और ये जोड़ने का जो काम होता है वो विश्व हमारा भारत ही करता है। और जब हमारा योग शुरू होगा तो जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छे से इस देश की सेवा कर सकते हैं। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है, उसके लिए योग से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, पूरे विश्व को
आज पिछले 2017-2018 में 192 देशों ने पूरी तरीके से योग को अपनाया। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि 200 से ज़्यादा देश हमको इस योग को योग दिवस को मनाने जा रहे हैं। एक बड़ी अलग जगह रहे, बड़ा व्यवस्था कर, बड़ी जागरूकता दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगले आने वाला दिन, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने योग को स्पोर्ट का दर्जा दिया है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी काम जब तक का बैरिकेडिंग नहीं की जाती तब तक लोग अच्छा से नहीं कर पाते। जब फॉलो किया जाएगा, उसका लगातार जागरूक किया जाएगा, तभी व्यक्ति करता है। ये बहुत अच्छा किया है कि हर व्यक्ति तक अब योग पहुँचेगा। जब बच्चों से एक छोटे मुन्ने बच्चों तक योग पहुँचेगा, बड़े तभी करेंगे। घर में जैसे ही योग पहुँचता है तो हमारा स्वास्थ्य के लिए और हमारे स्वच्छता के लिए और हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भी अपने आप बनना शुरू कर देते हैं।